हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, SDS विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय गणित अभ्यास 13। इस अभ्यास 13 में आपका दिया है लाभ और हानि। यहाँ पे हम लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लाभ किसे कहते हैं, लाभ क्या होता है। ठीक, तो लाभ धन की वह मात्रा होती है जिसे वस्तु के वास्तविक कीमत से अधिक प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 5 रुपये का पेन है, ठीक, 5 रुपये का कलम अगर है, तो यह उसका वास्तविक जो मेल इसका मूल्य है यह 5 रुपया है। अगर इससे अधिक हम प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 का है, इसको हम बेचने पे हम इसका 6 या 7 रुपया हमें प्राप्त होता है, 5 रुपया इसका वास्तविक है, हमें 7 रुपया मिला, तो कितना मतलब फायदा हुआ, 2 रुपया। तो यह 2 रुपया क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। ठीक है, यह 2 रुपया हमें लाभ हुआ। लाभ क्या होता है, कोई भी वास्तविक मूल्य, कोई भी वस्तु रहे, कोई भी सामान रहे, उसके वास्तविक मूल्य से हमें उसका अधिक पैसा मिल रहा है, तो हाँ हमें क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, या अब हानि क्या हुआ। अब हानि में आप यही समझ लीजिए, 5 रुपये का पेन है, इसको हम 4 रुपये में बेचते हैं, किसी कारणवश 5 रुपये का सामान को हम 4 रुपये में अगर बेचते हैं, तो यहाँ 1 रुपये का हमें क्या हुआ, घाटा गया ना यहाँ पे, तो यह 1 रुपया हमारा क्या हुआ, हानि हुआ। तो हानि में उस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हानि वह धन है, वह धन की मात्रा है जिसमें हम किसी वस्तु के वास्तविक कीमत से कम प्राप्त करते हैं। ठीक है, या हानि में जैसे अभी हमने आपको बताया है कि हानि वह धन है जिसमें हम किसी वस्तु के वास्तविक कीमत से कम प्राप्त करते हैं। ठीक, जैसे अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं किसी भी सामान को हम उसके वास्तविक मूल्य, कोई भी सामान है, मान लीजिए जैसे एक किताब है 15 रुपये का, इसके वास्तविक मूल्य से ठीक कम रुपये प्राप्त करते हैं, ये है उसका वास्तविक मूल्य, इसको बेचने पर अगर हमें 10 रुपया सिर्फ मिला, तो हमें क्या हुआ, हानि हुआ ना। कितने का हानि हुआ है, कितने का घाटा हुआ, 5 रुपये का, माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, तो इस 5 रुपये का हमें क्या हुआ, घाटा हुआ, यहाँ पे क्या होगा, हानि। ठीक, लाभ में यही चीज, अगर यह 15 रुपये की किताब है, इसको हम बेचने पे हमें 20 रुपया प्राप्त होता है या मिलता है, यहाँ हमें कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 5 रुपया क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, अब इसमें होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसी भी सामान को हम खरीदते हैं, कितना हो पैसा देकर, कितना हो रुपया, चाहे 1 रुपया, 2 रुपया, 1000, 2000, जितना पैसा हम दे के खरीदते हैं वही हमारा क्रय मूल्य होता है, उसी को हम कहते हैं क्रय मूल्य। कि खरीदने का क्रय मतलब क्या होता है, खरीदना, और मूल्य मान पता ही है उसका मूल्य, वैल्यू कितना है रुपये में। तो यहाँ पे वो यही चीज हुआ कि क्रय मूल्य मतलब खरीदने का क्या है मूल्य। ठीक, अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब होता है कि बेचने का, मूल्य मतलब उसका वैल्यू, तो कितने रुपए में वह बेचा गया उसी को हम विक्रय मूल्य कहते हैं, या विक्रय मूल्य को हम यह कह सकते हैं कि जो भी सामान था उसको कितने में बेचा गया। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई साइकिल आप खरीद रहे हैं, तो क्रय मूल्य उसका 5000 है, फिर खरीदने का मूल्य यही क्या हो गया, क्रय मूल्य, उसको हम खरीदे 5000 में, तो यह उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक, अगर किसी कारणवश हम उस साइकिल को बेच रहे हैं, मान लीजिए
तो अगर 4000 में हमने बेच दिया तो यह उसका विक्रय मूल्य, इसी को हम कहते हैं बेचने का मूल्य या विक्रय मूल्य, ठीक, यह कहता है विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5000 का साइकिल खरीदा, 4000 में बेचा, क्या हुआ, हान हुआ ना, हमें कितने का घाटा लगा, माइनस करेंगे घटाएंगे तो आपको 1000 प्राप्त होगा, 1000 रुपया में घाटा हुआ, ठीक। तो इस तरह से आपका यह क्रय और विक्रय मूल्य होता है, इसी को हम कहते हैं। इसमें लाभ और हान में क्रय विक्रय के आधार पर आप समझ सकते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तब उस वस्तु को बेचने पर हमें लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है। किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो या प्राप्त हो तो हमें वहाँ क्या होगा, लाभ होगा। जैसे अभी हमने आपको बताया था, एक तरह से समझ लीजिए एक मोटरसाइकिल आप चल रहे हैं 50000 का, ठीक, इतने का 50000 का कोई भी मोटरसाइकिल आप उसको बेच रहे हैं 50000 में, आपने खरीदे था कितने में, केवल 30000 में, ठीक, केवल 30000 में आपने खरीदा था, उसको 50000 में बेच दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ ना, 30000 का सामान 50000 रुपये में आपने बेच दिया। और हानि में यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मतलब खरीदने का मूल्य, उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो तब हमें उस वस्तु को बेचने पर क्या होता है, हानि होता है। जैसे किसी भी चीज को मान लीजिए कोई भी सामान खरीदे, जैसे आपने कोई मोबाइल खरीदा 3000 का, मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदा है, यह उसका क्रय मूल्य हो गया। अब बेचने का मूल्य आप उसको किसी कारणवश 2000 में बेच रहे हैं, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य से जो विक्रय मूल्य क्या है, कम है, ठीक है, एक क्रय मूल्य जो आपका खरीदने का मूल्य 3000 है, बेचने का मूल्य 2000, तो यहाँ पे यह कम है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, घाटा होगा, अगर माइनस करेंगे तो 1000 का आपका हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है। अतः इससे स्पष्ट है कि अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए कुछ नियम होता है जो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे लाभ है, ठीक, लाभ बराबर क्या होगा, अगर लाभ हमें जानना है तो क्या करेंगे आप, विक्रय मूल्य जो होता है बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक, यह मूल्य है पूरा मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर हमें किसी वस्तु की लाभ अगर जानना है कितना हुआ तो उसको हम इस नियम से विक्रय मूल्य जो होता है बेचने का जो मूल्य होता है उसमें से माइनस करेंगे क्रय मूल्य, मतलब जितने में हमने खरीदा था, तो हमें पता चलेगा लाभ हुआ है कि हान हुआ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसके दो देखिए नियम होते हैं। यहाँ पे अगर आपको विक्रय मूल्य जानना है, विक्रय मूल्य बराबर, तो आपको क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक, अगर बेचने का मूल्य हमें नहीं प्राप्त है, सिर्फ क्रय मूल्य और लाभ पता है, तो इसकी जानकारी के लिए हम क्या करेंगे, क्रय जो बेचा गया है सामान, खरीदा गया, सॉरी, जो खरीदा गया सामान और जितना लाभ हुआ है उसको आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अब क्रय मूल्य अगर जानना है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक। अब यहाँ पे हमें अगर क्रय मूल्य, खरीदा गया मूल्य कितने में खरीदा गया है, अगर ये जानकारी प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य बेचा गया है, जो सामान जितने में बेचा गया है उसमें से जो लाभ हुआ उसको घटा देंगे हम, तो जो आएगा आपका आंसर वही क्रय मूल्य आएगा कि कितने में खरीदा गया है। अब हान, ठीक, अगर हानि हमें जानकारी करना है, प्राप्त करना है, तो क्या करते हैं, पहले क्रय मूल्य
माइनस विक्रय मूल्य, तभी ना पता चलेगा कि हमें कितने का हानि हुआ है। तो जितने में पहले खरीदा गया है उसमें से कितने में बेचा गया है हम माइनस करेंगे घटाएंगे तब हमें हानि प्राप्त होगा। इसके भी दो नियम। और अब यहाँ पे इसका अगर विक्रय जानना है आपको तो विक्रय मूल्य ठीक बराबर कितने में बेचा गया है तो यह आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर प्राप्त करना है आपको तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो खरीदा गया मूल्य है कितने में खरीदा गया उसमें से माइनस करेंगे आप हानि को, कितना हान हुआ है तो हमें क्या पता चल जाएगा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, पता चल जाएगा। अब क्रय मूल्य प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य प्लस हान। अगर हम खरीदे हैं कितने में खरीदे हैं यह जानकारी प्राप्त करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने में बेचा गया है सामान और प्लस कितने का हान हुआ है इसको आपस में हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा कि कितने में हमने खरीदा है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस नियम को आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक। अब इसी के आधार पे आपका अभ्यास 13 जो है उसमें कुछ सवाल दिया हुआ है उसको हल करना है, आइए हल करते हैं। देखिए इस अभ्यास का जो पहला सवाल दे रहा है चैप्टर 13 का लिख रहा है लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए ठीक। इसमें नीचे आपको कई सवाल दिए हुए हैं जिसमें हमने ए पहले नोट किया हुआ है, देखिए इसमें क्या दे रहा है, क्रय मूल्य रुपया 450 और विक्रय मूल्य रुपया 220 ठीक। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त करना है, लाभ अथवा हान, कि यहाँ पे हमें लाभ हुआ है कि हान हुआ है। तो क्रय मूल्य बराबर जान ही रहे हैं क्रय किसे कहते हैं कि खरीदा गया मूल्य, कितने में खरीदा गया है, खरीदा गया कितने में 450 में, और विक्रय मूल्य बेचा गया है कितने में 220 में ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे खरीदा गया है सामान को 450 रुपये में और बेचा जा रहा है 220 में, तो इससे कम में बेचा गया ना, जो ये क्रय मूल्य है इससे कम में बेचा गया है। जब ऐसे में है तो हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ठीक। तो क्रय मूल्य कितना है आपका 450 माइनस विक्रय मूल्य है 220 रुपया बराबर, या बराबर यहां कर दीजिए कितना हुआ यार, तो देखिए यहां जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, यहां कितना है पांच, पांच में से दो गया तीन, यहाँ चार में से दो गया दो, 230 रुपया। यह 230 रुपया क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा हानि बराबर रुपया 230, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, हानि हुआ कि लाभ हुआ हम यह प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए इस पहले का डी दे रहा है क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य रुपया 12,000 और विक्रय मूल्य रुपया 10,000। तो क्या हुआ, खरीदा गया है कितने में 12,000 में और विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया है कितने में 10,000 में, तो यहाँ घाटा हो रहा है ना, इसलिए यह क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है कम है, या विक्रय मूल्य से ज्यादा है आपका क्या क्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हान। तो हान बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य है आपका 12,000 रुपये माइनस बेचा गया है कितने में 10,000 में, माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 2,000,
तो यह आंसर हो जाएगा आपका हानि कितना हो रहा है, हान बराबर रुपया 2000, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य कितना है 12000 और विक्रय मूल्य कितना, यह आपके किताब में जो दिया हुआ है उसके आधार पर है। अब यहाँ पे उदाहरण एक हम आपको उदाहरण के तौर पे समझा दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ दूसरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 12000 में खरीदा गया, 15000 में बेचा गया। ठीक, अब इसको हमें लाभ हुआ है कि हानि हुआ है ये जानने के लिए तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो देखिए थे, जैसे हमने बताया है आपको कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो, ठीक है, विक्रय मूल्य से कम हो तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से कम हो तो क्या होगा लाभ, या तो किसी भी सामान का क्रय मूल्य से अगर अधिक विक्रय मूल्य है तो वहां पे हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही नियम है ना। तो इसी के आधार पे अब विक्रय मूल्य कितना है 15000, माइनस क्रय मूल्य कितना है 12000। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 3000, या 3000 क्या हुआ, हमें लाभ हुआ है। तो यहां लिखेंगे आप लाभ बराबर रुपया 3000, यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आपको उदाहरण के तौर पे बताया है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का दूसरा देखिए, इसमें का जो भी बचा हुआ सवाल है वो आप स्वयं हल कर लीजिएगा। देखिए इस चैप्टर का दूसरा सवाल, अब यहाँ पे इबारती में सवाल आगे दिया हुआ है, इसको अब ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए दिया है, हरि ने एक पुस्तक रुपये 45.25, मतलब 45.25 रुपये, यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ 45.25 रुपये की खरीदी, तथा रुपया 40.25 में बेच दी, 40.25 रुपये में बेच दी, लाभ अथवा हान ज्ञात कीजिए कि उसको लाभ हुआ कि हान हुआ। ठीक, अब देखिए 40 रुपये का वो खरीदा, सॉरी कितने का खरीदा है 45.25 रुपये का, ठीक कह सकते हैं 45.25 रुपये का खरीदा है, और कितने में बेच रहा है 45 रुपये में, 40.25 रुपये में बेच दिया, तो 45 का खरीदा था बेचा कितने में 40 का, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। इसलिए हानि हो रहा है कि यहाँ पे जो विक्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य से क्या है, कम है, मतलब जितने में खरीदा गया है जितने में बेचा गया है उससे हमारा खरीदा हुआ क्या है, ज्यादा है ना, उसमें ज्यादा में खरीदे हैं, या कह सकते हैं हम यहाँ पे जो यह क्रय मूल्य है, खरीदा गया मूल्य है, विक्रय मूल्य से क्या है, अधिक है, इसलिए हमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होता है ना। तो फिर हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है 45.25 माइनस कितना है 40.25, यह क्या है विक्रय मूल्य जितने में बेचा गया, ऊपर नीचे रख के भी आप हल कर सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक, जब इसको आप घटाएंगे बराबर तो यहाँ 5 है, यहाँ 5, 5 में से 5 गया कितना हुआ 0, 2 में से 2 गया क्या हुआ 0,
यहाँ आप दशमलव है तो दशमलव हम यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पे पाँच है, पाँच में से जीरो जाएगा क्या होगा, पाँच बचेगा ठीक। यहाँ चार है, चार में से चार गया क्या हुआ, जीरो। क्यों क्या, पाँच दशमलव जीरो जीरो, मतलब ये पाँच रुपया हुआ, क्या हुआ पाँच रुपये। तो यहाँ हान कितने का हो रहा है, पाँच रुपये। तो आंसर में आप लिखेंगे हान बराबर रुपया पाँच ठीक, या पाँच दशमलव जीरो लिख सकते हैं, या सिर्फ रुपया पाँच, यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि सामान कितने का खरीदा जा रहा है और कितने का बेचा जा रहा है। अगर उसी पे हमारा तय हो जाता है कि वह वहाँ पे लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ठीक। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ का नियम लगाएंगे, अगर हानि हो रहा है तो हानि के नियम लगा के उस तरह से माइनस करेंगे, हमें लाभ और हानि प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं, इस चैप्टर का पांचवा सवाल लिख रहा है प्रेम ने एक कार खरीदा। लिखा है प्रेम ने एक कार रुपया 2,75,000 की खरीदी तथा उसे रुपया 5,000 के लाभ से बेच दी ठीक। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब कितने में बेचा गया है ठीक है। क्या दिया है, प्रेम ने एक कार खरीदा कितने में, 2,75,000 में खरीदा था ठीक, और उसे 5,000 के लाभ में बेच दिया, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो लाभ में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब हल करेंगे लाभ में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ ठीक। लाभ में अगर उसका विक्रय मूल्य हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे नियम लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ ठीक। तो बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे कितने में खरीदा है, 2,75,000 ठीक। अब प्लस लाभ, लाभ कितना हुआ है 5,000 के लाभ पे, लिखा ना 5,000 के लाभ पे, तो रुपया 5,000 इसमें प्लस हो जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,80,000, 75,000 जोड़ेंगे तो आपका ये कितना होगा, 2,80,000 रुपये। तो यहाँ पे यह 2,80,000 हुआ, यह क्या प्राप्त हुआ आपका, विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ है ठीक है। यह क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो आप विक्रय मूल्य जब लिखेंगे आप आंसर, तो विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे 2,80,000 रुपया, यह विक्रय मूल्य है रुपया 2,80,000 ठीक। अगर इसका एक और इसमें एक होता है नियम, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 2,80,000 प्राप्त हुआ, यह क्या हुआ, विक्रय मूल्य ठीक है। अगर यहाँ पे हमें जानना है कि कितने का लाभ हुआ है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही होता है ना नियम। लाभ में हमें जानने के लिए कौन सा नियम सूत्र लगाते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आपका, उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं, विक्रय मूल्य आपका है 2,80,000, यहाँ पे यही प्राप्त हुआ ना। और क्रय मूल्य कितना है, 2,75,000 ठीक। अगर हम घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो आपका कितना आएगा, 5,000 घटाएंगे तो आपको यह 5,000 ये मिलेगा ठीक। इसका मतलब यहाँ 5,000 लाभ पे है, 5,000 यहाँ पे है। इस तरह से हम ये भी पता कर सकते हैं कि यह सवाल हमारा सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो अगर उतना लाभ हमें प्राप्त होता है जितना इसमें दिया हुआ है, तो यह सवाल सही है ठीक है। और इस तरह से भी इसको आप हल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके आगे और एक दो तीन सवाल हैं इबारते में, वो आप स्वयं हल कर लीजिएगा।